पापा, अक्कू, guess what? मेरा ऑफर लेटर आ गया है 25 लाख पर एनम। मेरी पहली जॉब है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। अरे वाह बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू पापा, एक तुम ही तो इस घर की होप। मुझे पता था एक दिन मेरा बेटा मेरे नाम को रोशन करेगा। अरे मेरे टॉपर बेटे को कोई मना ही नहीं कर सकता। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, मतलब इस बार मेरा आईफोन पक्का ना? बिल्कुल पक्का। हाँ, तुम भैया से सबसे पहले आईफोन ही ले लो। अरे कभी अपने पैसों से रक्षाबंधन या भैया दूज में भाई को कुछ राखी या गिफ्ट वगैरह लाके दोगी या फिर दूसरों के सहारे ही जिंदगी जीती रहोगी? और हाँ, तुम अपने बोर्ड्स के एग्जाम पर फोकस करो। 25 लाख का पैकेज तो बहुत दूर की बात है, किसी ढंग के कॉलेज में एडमिशन लेकर दिखाओ पहले। अरे अक्कू, क्या पापा आप भी हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हैं? पढ़ तो रही है ना, अब हर बच्चा 100% ले आए ये जरूरी तो नहीं। अरे ऐसा मैंने क्या बोल दिया, जो कहा सही तो कहा। सीरियसली पापा, आप भी हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते हैं। सुन ना, कौन सा कलर लेना है, स्पेस ग्रे या मिडनाइट ब्लैक, बता। भैया क्या ये बोर्ड एग्जाम से सब कुछ होते हैं क्या? नहीं मतलब पापा इतना क्यों प्रेशराइज करते हैं? मुझे भी टेंशन है अपने फ्यूचर की। आपको देख, पापा ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, वो ये नहीं चाहते कि तू भी वही सब करे। कैसे स्ट्रगल्स भाई, एक तो अपने घर में सब ओवर अचीवर्स हैं, जब देखो कोई ना कोई अपने अचीवमेंट से गिनवाते रहता है। कोई बात नहीं, तू समझ जाएगी कि वो भी सिर्फ तेरा भला ही चाहते हैं। अगर भला ऐसे चाहते हैं ना, तो पता नहीं बुरा कैसे चाहते होंगे। अरे चुप कर, पढ़ाई कर और मेरे को बता दियो कौन सा कलर चाहिए। वैसे मेरे ख्याल से मिडनाइट ब्लैक अच्छा रहेगा। ओए, क्या हुआ? कुशल यार, इस बार बोर्ड एग्जाम्स अच्छे तो होंगे ना? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे क्यों स्ट्रेस ले रही है तू? मेरे डैड ने तो बोल दिया है 12th के बाद जो मना है वो करना, और बोर्ड एग्ज़ाम ही तो हैं, हो जाएंगे। यार तेरे पेरेंट्स कितने कूल हैं, मेरे पापा ने तो इतनी टेंशन दे रखी है, पता नहीं क्या क्या थॉट्स आते रहते हैं। क्या यार, कैसी बातें कर रही है तू? सॉरी यार, बस ये एग्जाम्स ना। अरे हो जाएगा। अच्छा चल, कल एग्ज़ाम सेंटर पे मिलते हैं। ओए, ऑल द बेस्ट। आ गई दोस्तों के साथ घूम के, कल एग्जाम है तुम्हारे, कब समझ में आएगा? फेल होने के बाद पास हो जाना, कम से कम इतनी इज्जत रख लेना, समझी? तुम मजाक कर रही हो या लाइन मार रही हो? लाइन मार रही हो। दसवीं क्लास में पढ़ाई के प्रेशर से छात्रा थी परेशान, घर में फंदा लगाकर की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा, मैं 95% नंबर नहीं ला सकती हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इसकी मौत के जिम्मेदार हम सब हैं। वो सभी पेरेंट्स, वो फैमिली, वो रिलेटिव, वो सोसाइटी जिसने ये कह दिया है कि अगर 95% नंबर ला रहे हो ना तो ही आप कामयाब हो, अदरवाइज आपकी लाइफ खराब है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, आप एक फेलियर हो गए हो। लेकिन ये कहां लिखा है? किसने आकर कान में कहा है कि अगर 90% या 95% मार्क्स ला रहे हो तो ही आपकी लाइफ में सक्सेस आ सकती है? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। वो 10th क्लास की स्टूडेंट थी, अभी उसको 11th के एग्जाम देने थे, 12th के एग्जाम थे, लाइफ में उसे अभी सैकड़ों एग्जाम देने थे, वो उनमें बेटर परफॉर्म कर सकती थी। लेकिन ये जो सोसाइटी थी ना, ये जो फैमिली का प्रेशर था, माँ बाप, पेरेंट्स, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, क्या इतना प्रेशर डाल दोगे बच्चों पर कि उससे कह दिया गया कि अगर 95 नहीं ला सकती, 80 ले आएगी तो तू कामयाबी नहीं होगी? बेटा, कल तेरा एग्जाम है ना, तो उससे पहले मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। पापा प्लीज प्लीज, मुझे कुछ नहीं देखना है। मुझे पता है आप बहुत सक्सेसफुल हैं और भैया भी बहुत ब्रिलियंट है, और मुझे ये सब नहीं देखना है। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ और मुझे आपके अचीवमेंट्स नहीं देखने हैं। आप प्लीज़ जाओ। बेटा, आज मैं तुम्हें अपने अचीवमेंट्स दिखाने नहीं आया हूँ, आज मैं तुम्हें अपने फेलियर्स दिखाने आया हूँ। प्लीज़ बेटा, देखो बेटा, ये मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट है। मैथ्स में मैं बॉर्डर लाइन में पास हुआ था। ये जो देख रही हो ना, ये मेरी पार्टनरशिप कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कंपनी तो डूबी ही डूबी, साथ में 5 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ था। और ये मेरी कॉलेज की क्रिकेट टीम की सिलेक्शन लिस्ट है, इसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और इतना ही नहीं, लाइफ के तमाम मोड में मैं फेलियर हुआ हूं। पापा, आप भी फेल हुए थे। बेटा, मैं क्या, दुनिया का हर आदमी कभी ना कभी फेल करता है। और बेटा, फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे सबक ना लेना ये असली फेलियर है। इसलिए खूब मेहनत से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, लेकिन अगर फिर भी कभी मनचाहा रिजल्ट ना आए ना, तो घबराना मत। बोर्ड का एग्जाम जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी को डिफाइन नहीं करता। तुम्हारी जिंदगी को डिफाइन करेगा तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा डिटर्मिनेशन, तुम्हारी मेहनत। थैंक यू सो मच पापा। आपको पता नहीं है मैं कितना डरी हुई थी। हर वक्त बस यही सोच रही थी कि कहीं कुछ ख़राब हो गया या मैं फेल हो जाऊं तो आप कितना गुस्सा करोगे, और फिर वो रिलेटिव्स आएंगे और आपको एम्बैरस होना पड़ेगा, और फिर वो उनके क्वेश्चंस। एक बात और बेटा, आई एम वेरी सॉरी। हम पेरेंट्स अपनी सारी होप अपने बच्चों पर डाल देते हैं, और वो इसलिए कि जो गलतियां हमने की हैं वो हमारे बच्चे ना करें, और उसके बाद जो हमने झेला है वो हमारे बच्चों को ना झेलना पड़े। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बच्चे खुद से जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे कहाँ से। और बेटा, जाने अनजाने इतना प्रेशर देने के लिए आई एम वेरी सॉरी। कल के लिए ऑल द बेस्ट। और बेटा, अच्छे से नींद लो और खूब अच्छे से पेपर करना। मुझे मालूम है तुम बहुत अच्छा करोगी, ठीक है? गुड नाइट बेटा। गुड नाइट पापा। मेरा रिजल्ट आ गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे कितने परसेंटेज आए हैं। अच्छा, कितने? 93% पापा। वाओ, रियली? आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे पता था तुम बहुत अच्छा करोगी। वेल डन बेटा। थैंक यू पापा।